नमस्कार, स्वागत है आपका भरत संजीवनी स्पिरिचुअल चैनल में। अधिकांश लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि हम धरती पर क्यों आए, हमारा जन्म क्यों हुआ और जन्म लेने का क्या उद्देश्य है। यह सवाल सभी को हैरत में डालने वाला सवाल है। यदि ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है तो उनका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। ईश्वर के द्वारा रचित इस सृष्टि में हम सब जीव आत्माएं हैं और हम अपने माता पिता के द्वारा इस संसार में आते हैं। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म पावा, इसकी हमें कद्र करना चाहिए। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार हमें इस जन्म में मनुष्य का जन्म मिला है, इसे ऐसे ना गवाएं। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही है जो केवल निर्वाण को, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। और जब आप ईश्वर को और स्वयं को जान लेते हैं तो आप 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर के पास चले जाते हैं। जिस परमेश्वर से अलग होकर हम यहाँ आए हैं, जब तक हम उसी में एक नहीं हो जाते तब तक यह जन्म और मरण का बंधन चलता रहेगा। हमारे जन्म और अस्तित्व के पीछे कोई महान उद्देश्य है। ईश्वर को जानने के बाद फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। उस परम तत्व को और स्वयं को जानने और समझने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। जीवन का यह एक गूढ़ रहस्य है कि मैं यह जान लूं कि मैं एक आत्मा हूं और परमात्मा का ही अंश हूं, और साथ ही यह जीवन मुझे खुलकर और प्रसन्न रहकर जीने के लिए मिला है, और मुझे इस जीवन को खूबसूरत बनाना है और सभी प्राणियों में प्यार बांटना है। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।